सरकार की जो दोहरी नीति है इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई का ऐलान किए हैं और इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। सरकार दो तरह की नीति के चलते पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने पर तुली हुई है। सारी चीज़ें हो रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, ट्रेनों पर लोग सफ़र कर रहे हैं, हर गार्जियन घर से बाहर निकल करके सारा काम करते हैं और फिर पुनः बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, मार्केट खुली हुई है, बसें चल रही है, मॉल खुली हुई है, सिनेमा हॉल चालू है, सारे के लिए प्रोटोकॉल लगाया गया है, प्रोटोकॉल के तहत उसको खुली रखने का दिया गया है सुविधा। लेकिन एकमात्र शिक्षण संस्थान है जिसको कि पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। शिक्षण संस्थान में सबसे ज़्यादा हम लोग व्यवस्थित रखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के ज़्यादा टच में नहीं जाएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, हैंड वॉश की व्यवस्था हो, लेकिन उसको बंद कर दिया जाता है। और जब रोड पर खुलेआम लोग घूमते हैं, रैलियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ़ में हम लोगों का कल से आंदोलन शुरू है। हमारे कई साथियों के ऊपर FIR किया गया है। उस FIR को जब तक वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हमारा रोज रोज कुछ न कुछ आंदोलन चलता रहेगा। यह बात हम सरकार को बताना चाहते हैं। इस आंदोलन में कितने लोग शामिल रहेंगे और किस तरह के व्यक्ति शामिल? ये बारी बारी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रथम चरण में हम लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो शिक्षा बचाओ आंदोलन की बात की जा रही है, उसमें जो बच्चों का करियर खराब होने की सरकार को चिंता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, पहले चरण में सिर्फ शिक्षक उतरेंगे, दूसरे चरण में शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी, दूसरे चरण में पूरे जो प्रशासनिक विभाग का कार्यालय सभी जिस रोड में है, समाहरणालय रोड में, इस पूरे रोड को हम लोग हजारों की संख्या में, हो सकता है कि 8,000 10,000 की संख्या हो, उतनी संख्या में हम लोग इसको बताने का काम करेंगे। जैसा कि 38 कोचिंग संस्था, देखिए, हम लोग FIR से डरने वाले नहीं हैं। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, FIR क्या, वो गिरफ्तारी के लिए जगह बताएं खाली, सिर्फ FIR करने से नहीं होगा। वो सिर्फ हमको जगह बता दें कि कहाँ पर गिरफ्तारी देनी है, उनको सरकारी तेल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद चल करके गिरफ्तारी देंगे और खाली जगह बड़ा कर ले यहाँ की प्रशासन, ताकि सैकड़ों और हजारों लोगों को वो कैद करके रख सके। हम लोग गिरफ्तारियाँ भी देंगे, लेकिन शिक्षण संस्थानें खुली रहेगी। क्या लगता है? वो तो प्रशासन सोचे, मैं लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, अपनी बात को पूरे अहिंसक तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सरकार इस बात से, हमारी जो मजबूरी है, हमारी जो हर घर के गार्जियन की मजबूरी है, उनके बच्चे या तो मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं या नशा के एडिक्ट हो रहे हैं, इस बात को हम सरकार को अपने आंदोलन के माध्यम से बताना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से सभी प्रकार के जो मार्केट में है, मार्केट के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि 7 बजे के बाद बंद रहेगी, उसके बाद बस के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि 50% लोग रहेंगे, सिनेमा हॉल के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, तो कि आप इतनी संख्या में रख करके चला सकते हैं, आप ये व्यवस्था करके चला सकते हैं, लेकिन पूर्णतः बंद नहीं करें। लगता है ऐसे सरकार घोषणा करती है कि कोरोना के साथ उनकी मीटिंग होती है सरकार की और DM साहब की, कि भाई हम इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे हम रैली में नहीं जाएंगे, बाजार में नहीं जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, 7 बजे के बाद ज़्यादा निकलेंगे और 7 दिन में कम निकलेंगे, चौक पर ज़्यादा रहेंगे, घर में कम रहेंगे। इस तरह की लगता है कि कोरोना के साथ मीटिंग के बाद सरकार फैसला सुनाती है। है कि जिस राज्य में, जिस देश में सिनेमा घर चल सकता है, शैक्षणिक संस्थान नहीं चल सकता है, ये दुर्भाग्य है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं, इसका मकसद यह है, प्रशासन ने शिक्षक के ऊपर FIR करके शिक्षक को चुनौती दिया है। हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम अपनी ताकत को सड़कों पर कल से दिखाएंगे। हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन के रूपरेखा को तैयार किए हैं। कल DM, SP और मुख्यमंत्री का हम लोग इसके विरुद्ध पुतला फूकने जा रहे हैं। आगामी कार्यक्रम भी हम लोगों का तय हुआ है। 10,000 के संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षक सड़क पर उतर करके समाहरणालय को घेरने का काम करेंगे और अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री से मंगवाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग का मुख्य मांग है कि आप हमारे लिए, आप
कोचिंग संस्थान स्कूल संचालक के लिए जो है आप कोरोना गाइडलाइन आप जारी करिए, पर कोचिंग संस्थान किसी भी हाल में खुली रहेगी, हम बंद नहीं करेंगे। क्या नाम है? रजनीकांत कुमार, जिला सचिव कोचिंग एसोसिएशन खगड़िया बिहार। प्रेस वार्ता यह था, शिक्षक के ऊपर अमानवीय तरीके से FIR कर देना, शिक्षक कोई अपराध नहीं कर रहे, ये कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए विद्यार्थी में एक निश्चित 2 गज की दूरी बनाते हुए मास्क पहना कर क्लास में बैठा कर शिक्षा दान कर रहे हैं, तो ये हाल हो रही है कि शिक्षक के ऊपर FIR हो रही है। ये राजतंत्र के जैसा स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो मनसो हो रही है इसके विरुद्ध में हम लोग आज मीडिया कॉन्फ्रेंस रखे थे। कल का क्या कुछ आप लोगों का? कल हम सभी शिक्षक, मुख्यमंत्री, DM, SP का पुतला दहन करेंगे कि आप शिक्षक पर किए गए FIR को वापस लीजिए, अन्यथा आंदोलन आगे और भी भयावह हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुधीर कुमार, सुधीर भैया के नाम से जाने जाते हैं। हम MEC कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं और इस संघ के एक कार्यकारी मेंबर हैं।